आजादी के अमृत महोत्सव, इसके ऊपर मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया है, लेक्चर का जो सीरीज स्टार्ट किया है मॉडर्न हिस्ट्री में, इसका आज का लेक्चर नंबर है 6, जहां तक मुझे याद है लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग जिसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है रानी चिनम्मा। तो आप लोग ने एक फिल्म देखा होगा, फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। शाहरुख खान बोलता है ए मिनम्मा, है ना, मिनम्मा, तो वैसे ही चिनम्मा, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फ्रीडम फाइटर, है ना, कर्नाटक की ये क्वीन, और इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जितने लोग भी मेरा लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, सबको गुड इवनिंग। टुडे इज 14 फरवरी, तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। और मंडे वेनर्सडे एंड सैटरडे को मेरा क्लास रात के 9 बजे आता है, तो आप लोग रात को 9 बजे मेरा क्लास देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर। और बाकी अदर फैकल्टीज लोग का बाकी दिन पे लेक्चर आता है, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, साइंस का, अदर दिन पे अदर फैकल्टीज लोग का लेक्चर आता है। तो हमारे चैनल पे हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे क्लासेस होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं ये कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आप लोग को पीडीएफ लेक्चर का मिल जाएगा, और ये वेबसाइट को आप लोग रेगुलरली चेक करेंगे, जिसपे सारे एग्जाम का इंफॉर्मेशन एंड ऑल हम लोग डाल देते हैं। तो चलो मॉडर्न हिस्ट्री आज का स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी योर आलम सर। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक, गुड इवनिंग, लेट्स क्रैक WB ना एग्जाम। ये भी एक चैनल है यूट्यूब पे, इस पे भी आप लोग देख सकते हैं मेरा लेक्चर, किट्टूर रानी चिनम्मा। किट्टूर जगह का नाम है कर्नाटक में। 1778 में ये पैदा होते हैं और 1829 में इनका डेथ हो जाता है ना। 21 फरवरी 1829 में इनका डेथ हो जाता है। ये इनका फोटो, किट्टूर की रानी, है ना। लास्ट में आप लोग पूरा लेक्चर करेंगे, लास्ट में एक दो क्वेश्चन रहेगा जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। हाइलाइट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं कैसे, हाइलाइट्स वाले आप लोगों को दे देते हैं। तो शी वॉज द क्वीन प्रिंसली स्टेट किट्टूर इन कर्नाटका। आपसे पूछेगा रानी चिन्नम्मा कहाँ की क्वीन थी, तो आंसर है किट्टूर, ऑप्शन में दे देगा जगह का नाम, और स्टेट का नाम होगा तो कर्नाटका हो सकता है। अच्छा, तो इनका स्टेट को, क्योंकि इनके बेटे का, इनका हस्बैंड का डेथ हो गया, इनके बेटे का भी डेथ हो गया था, और दो डेथ जब हो गया तो ये क्या करते हैं, एक अडॉप्ट कर लेते हैं बेटा को, और अडॉप्टेड सन को ये लोग स्टेट नहीं देता था। ये पॉलिसी आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब, 1848 में, लेकर क्या है, कौन आया, आदमी का नाम था डलहौजी। लेकिन ये पॉलिसी को ऑफिशियली अनाउंस किया 1848 में, लेकिन ये पॉलिसी एक्चुअली में 1824 से ही चल रहा था, है ना। तो आज ये वाला बात अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होगा तो क्लियर आज हो गया होगा। तो इनका स्टेट को लेने के लिए ब्रिटिश लोग आगे आ गया, तो ये लड़ाई करती है एट द एज ऑफ 33। 1824 में लड़ाई स्टार्ट हुआ, 3 बैटल हुआ, जिसमें 2 में ब्रिटिश लोग को ये हरा देती है और तीसरे में इनको हरा करके कैप्चर कर लेता है। तो ये है हाईलाइट, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद, है ना। तो इनको इनको जो फेम मिला वो किट्टूर की रानी की वजह से फेम नहीं मिला, इनको फेम किस लिए मिला, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए, जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करती हैं, इसके लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई करती हैं, इसके लिए इनका हिस्ट्री में इनका इनके इनका फेम है हमारी हिस्ट्री में, है ना। तो ये था हमारा हाइलाइट्स। अब इनके लाइफ के बारे में जरा देखेंगे, अर्ली लाइफ क्या है। तो शी वॉज बोर्न इन काकाटाई विलेज, कहाँ पे, एक स्मॉल सा विलेज है बेलगाई डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, तो इतना आप याद रखेंगे। 15 साल की उम्र में एक राजा से इनका शादी हो गया, मल्लास राजा, है ना, जो देसाई फैमिली के राजा थे। 15 पहले होता ही था, 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाता था। अब इनका जब शादी हुआ तो इनसे एक बेटा पैदा हुआ, है ना, और एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन हुआ ये कि 1824 में इनके हस्बैंड का डेथ हो गया। पहले जमाने में मेडिकल फैसिलिटी वैसिलिटी होता नहीं था, तो आदमी लोग को कुछ बीमारी हो गया, आदमी का डेथ हो गया, तो उनके हस्बैंड का 1824 में डेथ हो गया, और उसी साल 1824 में उनका बेटा का भी डेथ हो गया। अब बहुत खतरनाक बात कि बेटा भी चला गया और बेटा भी और हस्बैंड भी चला गया, तो क्या करें। तो 1824 में एक अपने बच्चे के डेथ हो जाने के बाद एक अडॉप्ट किया एक बच्चे को, जिसका नाम क्या है, शिवालिंगप्पा, एक लड़के को अडॉप्ट किया और अडॉप्टेड सन बना लिया। अच्छा, कभी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कौन से कम्युनिटी की क्वीन थी, कहाँ से, ट्राइब क्या था, तो आज जानते हैं आप लोग लिंगायत कम्युनिटी के। आप लोग कभी सुना होगा कर्नाटक में एक सीएम हुआ करता था येदुरप्पा, येदुरप्पा फ्रॉम लिंगायत कम्युनिटी। अच्छा, अभी जो कर्नाटक में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी कर्नाटक में जो सीएम है वो भाई, वो भी लिंगायत कम्युनिटी का। लिंगायत एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है, जो लोग रिलीजन एज अ रिलीजन डिमांड कर रहे हैं कि उनको डिक्लेयर किया जाए कि वो एक रिलीजन है, लेकिन गवर्नमेंट इनको अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि रिलीजन डिक्लेयर कर देगा तो माइनॉरिटी रिलीजन हो जाएगा, माइनॉरिटी रिलीजन हो जाएगा तो इनको बहुत सारा आपको पैसा वैसा एंड ऑल कुछ दिया जाना पड़ेगा, बहुत सारा फैसिलिटी देना पड़ेगा, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए ये लोग डिक्लेयर गवर्नमेंट अभी तक किया नहीं है, धोखे में रख रहा है, बार बार बोल रहे कर देंगे लेकिन अभी तक किया
नहीं है। तो लिंगायत कम्युनिटी की ये क्वीन थी किट्टूर रानी चिनम्मा। सो एज अ रिजल्ट वॉर स्टार्टेड, क्योंकि अडॉप्टेड बेटा है तो ब्रिटिश लोग का पॉलिसी 1824 से ही था कि अडॉप्टेड बेटा को स्टेट नहीं मिलेगा। तो 1824 में लड़ाई हो गया ब्रिटिश और इनके बीच में, तो ब्रेवली शी फाइट और लड़ाई करती है ब्रिटिश लोग से। और उस लड़ाई में पहला जो बैटल हुआ, उस बैटल में 1824 अक्टूबर में ब्रिटिश एक कलेक्टर था उसका हो गया डेथ। कलेक्टर का नाम क्या था? जॉन ठाकरे, है ना, जॉन ठाकरे। अभी उद्धव ठाकरे ये सब मत बोल देना, जॉन ठाकरे। इसका हो गया डेथ। अब ब्रिटिश लोग चिढ़ गए कि मेरा एक बहुत बड़ा आदमी का, ये बॉम्बे का कलेक्टर था, इसका हो गया डेथ। अब इसका बेचारा का जब डेथ हो गया तो ब्रिटिश लोग अब क्या करें, चिढ़ गया, आप तो बदला लेना है। तो नेक्स्ट फिर बैटल हुआ। इस बैटल में आप देखेंगे आगे जो बैटल होगा उसमें टॉमस मुनरो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो टॉमस मुनरो ही उसको प्रपोजल देता है एडुकेशन को रिफॉर्म करने का। तो टॉमस मुनरो कौन था? एक्चुअली में मद्रास का एक गवर्नर था, उसका नाम था मुनरो और उसका नेफ्यू का नाम था टॉमस मुनरो, समझ गए? तो नेफ्यू का नाम था टॉमस मुनरो, जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी था। और ये और जो ब्रिटिश लोग, जितना भी आदमी लोग इंडिया में होता था वो लोग एक आर्मी जनरल भी हुआ करता था। तो बैटल फील्ड में लड़ने गया और इसका भी बेचारा का हो गया डेथ। बेचारा बोलो, अच्छा ही आदमी था, चलो तो इसका भी हो गया डेथ। तो चिनम्मा को जो बैटल में सपोर्ट करता है एज अ जनरल, है ना, रानी चिनम्मा का जो जनरल है या मान लो उसका डेप्यूटी है, उसका नाम क्या था? आमतुर बलप्पा। आमतुर बलप्पा, तो याद रखेंगे आदमी का नाम आमतुर बलप्पा, लड़ाई में बैटल फील्ड में मदद करता है। तो सेकंड बैटल फील्ड में, ये पहला पहला बैटल फील्ड में ये आदमी आर्मी जनरल, लेकिन सेकंड बैटल जो होगा जिसमें मुनरो का डेथ होगा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है चिनम्मा का, उसका नाम है संगोली रायन्ना। संगोली रायन्ना ये सेकेंड बैटल में लीड करता है चिनम्मा का आर्मी को। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। अब आगे डाल करके जस्ट मिनट होता, तो दो बैटल हो गया। अब तीसरा वाला बैटल में क्या हुआ? अल्टीमेटली तीसरा वाला बैटल में डिफीट हो गया रानी का। और 2 फरवरी 1829 को रानी को क्या, लो कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके डाल दिया उठा करके जेल में। लेकिन ये आदमी बच गया, ये आदमी है संगोली रनप्पा रायना। तो ये जो आदमी है संगोली, ये आदमी बच गया और ये गुरिला वॉर लड़ता रहा टिल 1829 तक। लेकिन 1829 में इसको भी पकड़ा और पकड़ करके इसको जेल में दे दिया फांसी। और 1829 में 21 फरवरी को जेल में इनका भी डेथ हो गया। किसका? रानी चिन्नम्मा का भी डेथ हो गया। ठीक है, अब इसका जो बेटा था अडॉप्टेड सन, है ना, शिवलिंगप्पा, शिवलिंगप्पा उसको भी अरेस्ट किया, उसको भी डाला जेल में। और किट्टूर रानी का एस्टेट चला गया ब्रिटिश लोग के हाथ में। तो ये रहा पूरा रानी का छोटा सा एक शॉर्ट सा स्टोरी। अब हर साल आप देखेंगे कर्नाटक में 22 से 24 तारीख को रानी चिनप्पा चिनम्मा इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है एक उत्सव, किट्टूर उत्सव जिसको बोलते हैं, अक्टूबर में 22 से 24 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है पूरे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बहुत फेमस ये क्वीन एज अ फ्रीडम फाइटर, पूरे इंडिया में फ्रीडम फाइटर वो लोग इनको मानते हैं कर्नाटक में खास करके। अब दो क्वेश्चन मैंने दिया है, रानी चिनप्पा ऑल्सो नोन एज किट्टूर रानी, क्या है? किट्टूर रानी चिनप्पा। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, रानी चिनम्मा रोट अ लेटर टू गवर्नमेंट टू द गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस्टोन, ये कहाँ का गवर्नर था? आंसर इसका क्या है बाबू? आंसर है इसका बॉम्बे। आपको पता होगा तो कमेंट में लिखेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखेंगे। अभी इसका जरा सा थोड़ा सा स्टोरी इसको समझ लो। स्टोरी ये कि जब ब्रिटिश लोग इनके स्टेट पे हाथ लगाने लगा कि कब्जा कर लेंगे एंड ऑल, तो बॉम्बे का एक गवर्नर को ये लड़ाई से रोकने के लिए ब्रिटिश लोग को, ये गवर्नर को चिट्ठी लिखा, रानी चिट्ठी लिखती है कि प्लीज आप क्या करिए, लड़ाई को रोका जाए और मेरे स्टेट को कैप्चर ना किया जाए। लेकिन इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देता और ये साइडलाइन करके चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता है। इसी गवर्नर का नाम था, जो बॉम्बे का गवर्नर था, माउंट स्टुअर्ट एलिफेंस्टोन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट में बताएं। तब तक आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।